अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुब के सारे रंग हमारे संग। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं। और आप लोगों का जो मेजर मसला था बच्चों का और बच्चों की वेकेशंस का और समर कैंप में इनरोल करना है या समर कैंप में इनरोल नहीं करना या घर में एक्टिविटीज़ करानी है, हमने सोचा कि हम क्यों ना पूरा वीक आपसे शेयर करें, डिस्कस करें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे आइडियाज़ जो अक्सर नहीं आते क्योंकि इतना टफ रूटीन चल रहा होता है। सम पेरेंट्स आर वर्किंग, सम पेरेंट्स आर नॉट वर्किंग, किसी ने वेकेशंस के लिए कुछ और सोचा होता है। तो हमने सोचा कि एक्यूमलेट करके इन सब डिस्कशंस को पूरा वीक करें। तो आज जो है वो समर कैंप का लास्ट डे है, समर कैंप पार्टी होगी। आज हमारे साथ होंगे प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी प्यारी प्यारी माएँ और उसके साथ वही सब एक्सपर्ट्स जो कि हमें बता सकते हैं कि उनकी नरिशमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ और उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ पूरा ये जो है समर वेकेशंस में 3 महीने ये कैसे हो सकती हैं और मज़ीद इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और हम जो रोज़ाना उठ के ये सुन रहे हैं, जैसे मैं भी सुबह सुबह उठती हूँ तो आप मामा ऑफिस जा रही हैं, हम क्या करेंगे, कोई मूवीज़ ही ला दें, कोई हम लोग ऐसा करें कोई एक्टिविटीज़ ही कर लें। कल मुझे मेरे बेटे ने कहा आई वॉन्ट टू हैव यू नो कपकेक्स, कैन वी कुक कपकेक्स एट होम। आई वाज लाइक यस वी कैन। तो छोटे छोटे आइडियाज़ जो हैं वो घर से जनरेट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है, मेकाट्रॉनिक्स का दौर है। बच्चे जो हैं अगर लर्निंग टॉयज़ के साथ खेलें, प्लेफुल एक्टिविटीज़ करें तो इससे भी एक तरह से लर्निंग जो है वो इन्हांस हो सकती है। तो इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि बदलते वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं। बदलते वक्त के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्कूलिंग्स, ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग वो भी बदल गया हुआ है। हमारे ज़माने में ये बातें नहीं हुआ करती थी, हमारे ज़माने में ये नहीं कहा जाता था कि आई एम गेटिंग बोर्ड। ये मेरे कल भी मैंने ये बात की, हमारे ज़माने में ये नहीं कहा जाता था कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू यू नो स्पेंड माय डे, कैन आई गो टू अ फ्रेंड्स हाउस, व्हाट माय नेबर्स आर डूइंग। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते थे ना, हम लोग तो चुपके से होते थे। हम लोगों ने वैसे ही एक प्लान बनाया होता था कि आज हमने गुड़िया की शादी करानी है या आज हमने जो है वो मामू की बेटी के घर जाना है या मेरे मामू के बच्चों ने घर आना है, फूफो के बच्चों ने घर आना है या मैंने उनके घर जाना है। हमारी एक्टिविटीज़ इन्हीं चीज़ों पर जो कहते थे ना वो इन्हसार कर रही होती थी। मगर अब जो हैं वो जितना ज़्यादा जो है वो इन्फेक्चुएशंस आ चुकी हुई हैं, इतनी ज़्यादा आपस में कनेक्टिविटी आ चुकी हुई है, आपस में बच्चों के अंदर एक तरह से बॉन्डिंग भी आ चुकी हुई है। हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ प्ले डेट करे। अच्छा, प्ले डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ है कि प्ले डेट्स जो हैं, पहले प्ले डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, प्ले डेट्स इन्वर्टेड कॉमास में नहीं कहा जाता था, ये वर्ड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। मगर अब जो है एवरी वन वॉन्ट्स टू गो फॉर प्ले डेट्स, और प्ले डेट्स में ये होता है कि इकट्ठे टॉयज़ लेके आप एक जगह एक्यूमलेट होते हैं और फिर पेरेंट्स को वो टेंशन हो जाती है कि हम इनके लिए कैसे इनको सर्व करें, कैसे इनको इंटरटेन करें। तो इंटरटेनमेंट का बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि आप प्ले डेट्स रखें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान के नामवर सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और काम किया है, उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मली ज़िंदगी में कैसे हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्यों ना प्रोब करें उनके बच्चे क्या करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे नामवर जो एक्टर हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, टीवी होस्ट भी हैं, फैसल कुरेशी साहब। उनके भी बच्चे अगर देखें तो उनके साथ बड़े मज़ेदार किस्म की सेल्फीज़ खिंचवा रहे हैं। उनका माशाल्लाह उनके बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर अभी जो पिक्चर है हमारे साथ वो उनके साथ उनके बेटे की है। और फैसल कुरेशी का बड़ा एक डिफरेंट सा जो स्टाइल है वो उनके एक यू नो सेल्फी में आया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे उनको देखें, उनकी बेटी उनके साथ अक्सर देखी है रमज़ान ट्रांसमिशंस में, हमें नज़र आती है कि छोटी सी है और बड़ी क्यूट सी उनकी बेटी है और वो साथ साथ फिर रही होती है। तो ये भी अच्छी फीलिंग होती है कि एक टीवी होस्ट है, एक टीवी एंकर हैं, एक ड्रामा इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, उनके बच्चे जो हैं उनके साथ साथ आपको नज़र आ रहे हों। सेकेंड हम देखें हिरा मानी और जो हैं वो भी एक बड़ा क्यूट कपल है और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, और हिरा की मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट्स और फैशनिस्टा
हेरा को मैं फैशनिस्टा इस तरह कहूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिज़ाइंस को और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हैं और डिफरेंट तरीके से अपने आप को तैयार होती हैं। तो उनके दो बेटे हैं और उनके जो दो बेटे हैं वो भी उनके साथ साथ हमें नज़र आते हैं, मगर द कपल इज़ डूइंग मार्वलस वर्क, द कपल इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और उसके बाद हम बात करें तो फातिमा अफंदी साहिबा जो हैं वो भी बहुत एक प्यारी चुलबुली और सीरियस एक्टर भी हैं और पाकिस्तान के काफ़ी उन्होंने हिट ड्रामा सीरियल्स दिए हुए हैं और उनके बच्चे भी बहुत क्यूट, उनके दो बेटे हैं और बड़े छोटे छोटे से हैं और बड़े क्यूट लगते हैं उनके साथ। और उनकी बेसिकली सेलिब्रिटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं डालते बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ अराउंड इट, पब्लिक फिगर्स हैं, मगर बच्चों की जो पिक्चर्स हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना देखें। हमेशा सोशल फोरम्स में बच्चों की प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो हैं वो नज़र आती हैं। और एक और बड़ा मज़ेदार किस्म का कपल जिन्होंने जब शादी की तो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह उनकी न्यूज़ जो है वो हॉट फायर की तरह पूरे मुल्क में फैल गई और हमेशा से इन है और अभी तक इन है उनके। कभी उनको जिम सूट्स में देखो, कभी उनको कहते हैं कि फ़ोटोशूट्स में देखो, कभी वो पेरिस होते हैं तो कभी वो दुबई होते हैं, कभी वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिर रहे होते हैं। तो दानिश तैमूर और आयज़ा ख़ान का जो कपल है वो बहुत प्यारा कपल है एंड दे मेक ब्यूटिफुल फैमिली। उनकी एक बेटी है और उनका एक बेटा है और इनकी बर्थडे की जो पिक्चर्स हैं सबसे ज़्यादा बर्थडे पे इनके जो फ़ोटोशूट्स होते हैं, ड्रेसिंग्स होती हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बहुत कॉन्ट्रास्ट और मैच कर रही होती हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है कि इस तरह की छोटे छोटे जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं फंक्शंस अपनी फैमिली में, ये एक बड़ा फैमिली गोल और एक फैमिली मोटिव देता है। अच्छा, इसके साथ एक और बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। अच्छा, वो हम सबकी फेवरेट इसलिए क्योंकि वो बहुत क्यूट है और उसकी जो एक्ट्स हैं, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसकी डांस भी उसकी खाला की शादी पर बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मुनीब भट्ट और एमन की बात कर रही हूँ, एमन और मनाल की बात कर रही हूँ। उसके बाद के कि मनाल और मुनीब भट्ट जो हैं उनका जो जोड़ा है, अच्छा इसको एमन मुनीब इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शादी का जो टैग लाइन था ना तो वो बहुत ज़्यादा इन हो गई थी। तो ये जो है कपल, इनकी जो बेटी है उसने पूरे जो सोशल मीडिया पे ना कहते हैं बूम बूम किया हुआ है और शी हैज़ ब्यूटीफुल आईज, शी हैज़ ब्यूटीफुल इन कैरेक्टर और बड़ी क्यूट सी लग रही होती है साथ साथ फिर रही होती है। और इसकी भी वीडियोस आपने देखी हैं बहुत ज़्यादा वायरल है, कभी ये दुबई में होती है, कभी ये आपको लंदन पे मिलेगी, कभी आपको कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क की सड़कों पे मिलेंगी। तो ये बच्चे जो हैं ये भी एक करिश्मा क्रिएट करते हैं और उसी को देखा देखी ना जो ट्रेंड होता है वो सेट किया जाता है। ट्रेंड के मुताबिक ये होता है कि भाई जो कपड़े उन्होंने पहने सेलिब्रिटीज़ के बच्चों ने वही हम पहनेंगे, जो बर्थडेज़ का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं वही हम लेकर आएंगे और वही हम अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे जो है ना ये बहुत ज़्यादा हमारी कंपनी में, हमारी फैमिलीज़ में या हमारे लोगों में ये चीज़ें ट्रेंड जो सेटिंग है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके साथ अब आप देख रहे हैं अरूसा और बिलाल कुरैशी और ये भी बड़ा प्यारा कपल है और ये भी कह दो तो दोनों ही सेलिब्रिटीज़ हैं, दोनों ने ड्रामास बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं और ड्रामास में काम किया है। इसके अलावा ए प्लस की स्क्रीन पर आप अभी भी देख सकते हैं कि बिलाल कुरैशी का जो ड्रामा राज है वो चल रहा है और बिलाल कुरैशी इज़ वर्किंग ट्रमेंडसली अमेजिंगली सुपर्बली। और इसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो भी दो हैं और रिसेंटली हमने इनकी पिक्चर देखी, इन्होंने भी बड़ा प्यारा ट्विनिंग किया हुआ था फादर प्लस सन्स ने, एक जैसी सलवार कमीज़ और एक जैसा वेस्टकोट पहना हुआ था। ये भी एक ट्रेंड है, ट्रेंड सेट करते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़, उनको फॉलो करते हैं हम। और हमारा जो शो है समर कैंप पार्टी वो आज जो है वो हम फुल एंटरटेनिंग तरीके से यहाँ सेलिब्रेट करेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इसके साथ हमारे साथ होगा मज़ेदार किस्म की पार्टी के लिए मज़ेदार किस्म के बाज, मज़ेदार किस्म का किचन और भी फन एक्टिविटीज़। व्यूअर्स, आपने हमारे साथ रहना है और हमारी पार्टी में हमारा हिस्सा बनना है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग धनक।
बैक व्यूअर्स, तो हमारा जो थीम है समर कैंप वो हम चल रही है, और समर कैंप में आपने देखा कि बच्चे बैठ के एक्टिविटीज़ बना रहे हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ लिखें, उनका मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें। तो आर्ट्स जो है एक फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी होती है। और हमारे साथ जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूँ, तो मेरे साथ हैं मिस अमरीन अस्करी साहिबा जो स्टेप स्कूल को हेड देख रही हैं, और गवर्नमेंट का ये स्कूल है और इस स्कूल के अंदर भी बहुत कुछ है जो कि हम पूछेंगे ये लोग क्या क्या करा रहे हैं। और उनके साथ हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मेरी फ्रेंड भी हैं और पेरेंट भी हैं जिनके बच्चे जो हैं अभी हमारे साथ समर कैंप में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो अतिया के द्वाई साहिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं आप दोनों? ठीक हैं, तो हम लोग क्यों ना वहाँ चल के बात करें आराम से। तो बच्चे जो हैं वो एक एक्सप्रेशन में आए हुए और उनका एक्सप्रेशन है आर्ट इस वक्त। तो अतिया आप घर में, मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा वरीज होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 3 महीने के जो स्पैन में क्या करें, हाउ वी कुड मेक देम वर्क, हाउ वी कुड रीइंफोर्स देम, तो आपने क्या सोचा हुआ है? मैंने अभी तो यही सोचा है कि फ़िलहाल मैं इनको ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराऊँ, बिकॉज ऑल ईयर राउंड आपको पता है अब इनके स्कूल्स में आफ्टर स्कूल क्लब्स होते हैं सब कुछ, तो ये उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये छोटा वाला तो अभी छोटा है, इसका इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये है कि सलाहुद्दीन जो है वो सुबह स्विमिंग के लिए जाता है, घंटा दो स्विमिंग करता है, उसके बाद ही कम्स बैक एंड ही लव्स डूइंग मैथ। आजकल थोड़ा मैथ कर लिया, थोड़ा बहुत होमवर्क, बट अभी हम थोड़ा ना जरा चिल चल रहे हैं, रिलैक्स। सलाहुद्दीन को हमेशा से देखा है, जैसे ऑब्वियसली मैं भी सोशल मीडिया में देख रही होती हूँ, ही हैज वन अ लॉट ऑफ थिंग्स, सर्टिफिकेशन भी इसकी बहुत ज्यादा है, और मैंने देखा कि छोटी उम्र से आप इसको ले लेके ड्राइंग्स करवाती थी। बिल्कुल, व्हेन यू स्टार्टेड, तो ये कॉन्सेप्ट जो है छोटी उम्र से, लाइक बच्चा जब 2.5 साल का है तब से आप लेके बैठ जाओ, अभी मस्ट बी अराउंड 7 7, ही इज 8 नाउ, या 8 नाउ, तो ये क्या कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में? अच्छा, ये मी एंड माय हस्बैंड बोथ वी बिलीव दैट जब से बच्चा बहुत छोटा होता है, ही वाज नॉट इवन आई थिंक 3 मंथ्स ओल्ड, वी स्टार्टेड रीडिंग टू हिम। अच्छा, सो इसके अंदर एक हैबिट आई थिंक वो बन गई है। 3 महीने का था, इवन विद द स्मॉल वन वी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, स्मॉल बुक्स, वो जो कलर्स और वो बेबी बुक्स होती हैं। सो आई थिंक इस तरह करते करते इसको आदत होगी, फिर देन ही वॉज इन आर्ट्स टू, इन टू आर्ट्स टू, फिर इसने ये स्टार्ट किया क्योंकि इसको शौक था। तो ये क्या करता था व्हेन ही वॉज आई थिंक 4 or 5 ईयर्स ओल्ड, सो इसको जो कैरेक्टर्स पसंद थे यूट्यूब से देख के इसने स्टार्ट किया, वो जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ड्रॉ करने के, तो फिर उसने कैरेक्टर बनाया। अगर इस ड्राइंग को आप ज़ूम करें तो उसने मजेदार किस्म का कैरेक्टर बनाया है, और कैरेक्टर के बारे में हम पूछेंगे सलाहुद्दीन से कि सलाहुद्दीन ने कौन सा कैरेक्टर बनाया, बट ही हैज मेड अ कैरेक्टर, ही लव्स मेकिंग कैरेक्टर्स। मुझे इतना डिफरेंट लगा क्योंकि हम लोग ये समर कैंप जो है पूरा वीक हमारा स्टार्ट हुआ है, बच्चे स्टार्ट करते घर से, एग्जैक्टली मेकिंग अ हाउस और मेकिंग अ सीनिक ब्यूटी और समथिंग लाइक दैट, बट उसने कैरेक्टर बनाया। हां, हमेशा से यही होता है, ही ऑलवेज मेक्स कैरेक्टर्स, ही इज इनटू, आजकल इसको है कि मैंने खाना काबा ड्रॉ करना। अच्छा, माशाल्लाह, तो ही वॉच द वीडियो, अब देखें इंशाल्लाह बनाएगा। अच्छा, खाना काबा बनाएगा। अच्छा, वो वीडियो से, वो ना एक्चुअली ट्यूटोरियल होता है, इट्स इजी टू आई थिंक अंडरस्टैंड, वो शेप्स से कर कर के आपको सिखाते हैं थोड़ा, बिल्कुल ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स डाल के, ठीक है। तो इसको शौक है तो उधर से ही देख देख के थोड़ा इसको इंकरेज। अमरीन, इन चीजों को आप कैसे देख रही हैं कि बच्चे जो हैं वो एक आर्ट फॉर्म में हैं और बड़ी डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स ड्राइंग खत्म करके एक डिफरेंट जॉनरा पे आ गए हैं? एक्चुअली आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पिछले जनरेशन से, अब जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जिस तरह से अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, टीवी पे जो जो उनको नज़र आते हैं, दे ऑब्जर्व दोज थिंग, दे इमेजिन एंड दे जस्ट पुट इट ऑन द पेपर, वो चीज़ को ड्रॉ करते हैं, उस चीज़ को आगे लेकर आते हैं। महल में पेरेंट्स को डेफिनेटली देखना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा कि वो शुरू से करेक्टर्स बना रहे, तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट उस तरफ जाता है। मोस्टली बच्चे जो हैं उसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं जिसमें, जिसको वो आइडलाइज कर रहे होते हैं, जिसको ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को वी शुड इसको प्रमोट भी करना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और ये देखना चाहिए कि बच्चे इस चीज़ को आगे कहाँ लेकर जाते हैं। आप समझती हैं ये आर्ट, ये जो है ये एक्सप्रेशन का फॉर्म है इस एज के लिए? यस, इट इज, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं। बाद बच्चों का नहीं भी इंटरेस्ट होता, आप उनके आगे पेपर रखे, दे विल जस्ट पुट द लाइंस ओवर देयर, वो कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चे इस चीज़ को करते हैं शौक से, इसका मतलब है कि उनका इंटरेस्ट भी है और ऑब्जर्व करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
एंड मोस्टली जो ड्राइंग्स होती हैं आपको पता है एक्सप्रेशन एक पार्ट है बिल्कुल, और जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज़्यादा वो अक्सर ड्रॉ करेंगे कुछ ना कुछ पेपर के ऊपर लिखेंगे लिख देंगे, तो ये भी उनका एक्सप्रेशन होता है जो बच्चे आगे लेकर जाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल, कुछ ऐसा भी हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत फोर्स करते हैं कि अगर हम मीडिया के पेरेंट्स हैं तो हमारा बच्चा जो है वो बहुत आउटस्पोकन हो। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में हैं, जैसे हम मिलवाएंगे भी उनसे, बोथ ऑफ देम आर लाइक गुड ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंसी एंड यू नो ट्रेन पीपल, उनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाएँ। कुछ बच्चे और हैं जैसे यू नो दे आर किड्स ऑफ एन एक्टर्स, तो वो छोटे छोटे ड्रामाज में स्किट्स में आगे आएंगे, क्या ये चीज़ ज़रूरी है? आई थिंक जो जिसका आजकल तो वो है ना मॉडर्न ज़माना है, और यू डोंट रियली नीड टू यू नो फोर्स एनीवन, हर किसी का अपना माइंड है यू नो, दे बल्कि खुद ही वो बोल देते हैं। बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है, आप उनसे कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते हैं। पहले पेरेंट्स डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है, इन दो चीज़ों के ऊपर सिर्फ फोकस होता था, बच्चा क्या बनना चाहता है उस तरफ पेरेंट्स कहते थे कि नहीं इसका फ्यूचर नहीं आप नहीं कर सकते। अब आप देखें हमें ये बचपन से इन बच्चों को देखना है कि इनका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है और उस तरफ उस बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि बच्चा जो अपने शौक से और हैबिट से जो चीज़ करता है उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। इंस्टेड कि आप इनको हाँ उससे जब एक लेवल आएगा बच्चों का यू कैन डिस्कस कि ये बेटर वे है, लेकिन मोस्टली बच्चे वही करना चाहते हैं जिधर उनका इंटरेस्ट होता है। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये बात बार बार सुनी है कि डिस्ट्रैक्ट होता है बच्चा, फोकस नहीं कर पा रहा है, ये एक मेजर जो है। अगर हम किसी भी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएँ तो कहता है बच्चा आपका बहुत डिस्ट्रैक्टिव है, या बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर रहा, या बच्चा जो है विद यूजेज ऑफ मच या मोर मोबाइल या सोशल एक्टिविटी से ज़्यादा वो उसका जो माइंड है वो ज़्यादा तेज़ यू नो ही कांट फॉर लाइक फोकस ऑन एनीथिंग, बस वो बार बार कहीं ना कहीं चाहता है कि ही नीड्स अ कांस्टेंट चेंज। व्हाट डू यू थिंक? देखें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा या स्क्रीन की वजह से वो चेंज कॉन्स्टेंट चेंज मांग रहा है, पेरेंट्स को बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनको कैसे ये चीज़ को कर्व करना चाहिए? देखिए बच्चे को आपने कहा ना कि 3 मंथ से वो इन चीज़ों को फोकस कर रहा है, बच्चों की हैबिट उस वक्त से डेवलप हो जाती है। स्क्रीन टाइम तो हम उनको खुद दे रहे हैं, आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा अपना टाइम अपना निकालने के लिए आप बच्चों को जो है आप स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा कर दिया है, आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए आप मोबाइल दे रहे हैं, इस चीज़ को कम भी किया जाता है आ सकता है, इसको प्रोडक्टिव भी बनाया जा सकता है। अगर बच्चे को शौक है कि उसने मोबाइल में कुछ चीज़ देखनी है तो आप उनको वो साइट्स लगा के दें जो उनकी इमेजिनेशन को उनकी किसी भी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाए, उस चीज़ को लेकर जाए। अतिया से पूछूंगी, अतिया स्टेम क्लब का कॉन्सेप्ट जो है मैकेट्रॉनिक्स का है रोबोटिक्स का क्लब का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो भी तो इसी से रिलेटेड है। अच्छा इसमें भी ना डिफरेंट वो है, जैसे अब ये सलाहुद्दीन जो है वो इसका हमने किया हुआ डिस्ट्रिक्ट, ही जस्ट हैज अ टाइम लिमिट ऑन हिज आईपैड 1.5 आवर ही इज अलाउड, उसके बाद उसको पता है कि मैंने नहीं करना। ठीक है और अदरवाइज हाँ ही इज डूइंग कोडिंग, उसने अभी स्कूल में कोडिंग वगैरह सीखी है, ये कोडिंग भी नया कॉन्सेप्ट है, कोडिंग भी नया कॉन्सेप्ट है, ये जो गेम्स खेलते हैं माइनक्राफ्ट रोब्लॉक्स तो उसमें इट वॉज अ वेरी गुड क्लब जिसमें इसको प्रॉपर आई थिंक अब जमाना भी आईटी का ही है सभी को पता है, लेकिन फिर भी आई थिंक वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट, हमें बैलेंस रखना पड़ता है यू नो कि कुछ फिजिकल भी करें, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका वो डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस लिहाज से आई थिंक ये इनकी सही बात है, जितना हम खुद उनको देंगे उतना जाहिर सी बात है उनको आदत, बिकॉज इट्स एडिक्शन, हमें भी तो हो जाती है, बिल्कुल इनकी ड्राइंग्स ना देखें जी जरूर, आ जाए अमरीन भी आ जाए अतिया आप भी आ जाए, हम देखते हैं हमारे बच्चों ने किया क्या है। नुका ओके सो वी विल स्टार्ट विद, अच्छा ये तो बाद में है, वी विल स्टार्ट विद मेहरमा एंड वी विल स्टार्ट विद सिक्की। ओके सिक्की का नाम है सलाउद्दीन, हम उसको प्यार से सिक्की कहते हैं। मेहरमा शो अस यू डोंट समथिंग ओके अगेन द होम होम हाउस जो है और जो हैप्पी गर्ल है और जो हार्ट बनाया हुआ है अगर इन्होंने तो ये देख सकते हैं, यू कैन शो लाइक इसको इस तरह से सी दिस एनी समर कैंप मेंबर यू हैव हां हैप्पी गर्ल हाउस एंड अ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शोस हर एक्सप्रेशन देखिए ये शी हैज ऑलवेज बीन अ हैप्पी चाइल्ड दैट्स अमेजिंग दैट्स सो उसके बाद नेक्स्ट इज सलाउद्दीन आई लाइक इट शी इज मामास गर्ल शी इज माय डॉटर सो शी सेड मामा शो मी ओके सो यू वांट टू सिट हियर Okay, wow.
वी लव योर कैरेक्टर। पता है वो कैरेक्टर वाले को क्या कहते हैं? कैरी कैचर्स कहते हैं जो कैरी कैचर्स बनाते हैं, और वो न्यूज पेपर में बहुत एक ना उनकी जिम्मेदाराना भाई ये तो छोटे छोटे फॉर्म्स हैं और इनकी जो छोटी छोटी आर्ट्स हैं, आप जो एक्टिविटीज हैं उनको घर में आप जरूर किसी फोल्डर में रखें क्योंकि यादें होती हैं। यू कैन फ्रेम देम। अक्सर हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है बनाया डिस्कार्ड कर दो, डस्टबिन में फेंको, बहुत गंद मचाया हुआ है। नहीं, ये छोटे छोटे जो फॉर्म्स हैं वो इतने इतने जो पाइल अप होते हैं ना, वो बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है जब आप बड़े होते हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी लेनी है ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहें। समर कैंप का जो समर पार्टी है वो होने जा रही है थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और जहाँ गर्मी खूब पड़ने वाली है और पड़ गई है क्योंकि दो दिन से मौसम थोड़ा फिर गर्म हो गया है और समर कैंप लगा हुआ है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठंडे ठंडे मशरूबात जो हैं वो हम उनसे कहते हैं ना कि फ़ायदा ना उठाएं या हम पिए ना, या हम रोज़ सोचें ना कि हमने आज ठंडा ठंडा जूस पीना है। तो हमें जूस बार ने ज्वाइन किया है, और वर्ल्ड फेमस जूस वर्ल्ड है उनका जो ब्रांड है, और चीमा साहब हमारे साथ हैं। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और आपका जो अमेजिंग, आपका सबसे खूबसूरत था कि आपका जो स्टाइल ऑफ द सेटअप है ना वो बहुत यूनिक था और है, यूनिक लग रहा है हमें, बड़े कलर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, और सबसे खास बात ये सब फ्रूट्स हैं जी, बिल्कुल नेचुरल फ्रूट के साथ हैं। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल नहीं है फ्लेवर इसमें, नेचुरल फ्रूट के साथ है ये। तो ये आप जो आपका जो जूस बार है ये कहाँ कहाँ आप लगाते हैं और कैसा ख्याल आया इस काम को शुरू करने का? ये मैं 25 ईयर से ही काम कर रहा हूँ, और मैं ओवरऑल पाकिस्तान में काम करता हूँ, और बहुत से हम लोगों ने बार्स कैफेज ओपन करवाए हैं, नदीम भाई और मैंने दोनों ने मिलके, और इस कॉजा नोस्ट्रा से मैंने सीखा हुआ है मैंने। oh, okay. तो दुबई से ट्रेनिंग लेके आया हूँ 6 मंथ की मैं, और ओवरऑल वेलकम ड्रिंक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, और अच्छे अच्छे स्टॉल्स करते हैं, कॉकटेल्स भी कहते हैं, कॉकटेल मॉकटेल स्मूदीज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा कौन सा कॉकटेल जो है वो चलता है, उसकी डिमांड ज्यादा है? अब मौसम के हिसाब से वैसे सबसे ज़्यादा जो चलता है मार्केट्स में मेरे पास जो चल रहा है वो मैंगो और प्लम चल रहा है बहुत ज़्यादा, मिंट के साथ। मैंगो एंड प्लम विद मिंट, वेरी नाइस। और उसके बाद मैं अभी कौन सा पी सकती हूँ? बिल्कुल, आई रियली वांट टू हैव दिस, क्योंकि इसकी जो ये लीमू पानी है जी, लीमू पानी के साथ जो मिर्ची लगाई हुई ना, हरी मिर्चे, वो एक जो करारा टच दे रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैं इसको देखूँ और इसको पी के देखूँ ये कैसा है। तो लेट्स ड्रिंक इट, बाकी करा रहा है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बाकी गर्मियों के लिए ना बेहतरीन जो ड्रिंक है ना उसका मज़ा आ गया। और व्यूअर्स, हमें जिन्होंने ज्वाइन किया उनका इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं है, आप उनको देख सकते हैं, उनका एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है साइन ऑफ स्प्रिंग्स, जहाँ वो ट्रेनिंग कराते हैं, उनके पास बेहद किस्म के कोर्सेज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, और समर कैंप भी करवाते हैं वो लोग। तो समर कैंप हम ढूंढ रहे थे जी, समर कैंप के लिए बच्चों को कहाँ भेजें, बच्चों को क्या भेजें, तो हमारे पास बेहतरीन लोग आज जो कपल है वो समर कैंप स्पेशलिस्ट भी है और क्लब स्पेशलिस्ट भी है, और स्कूल के बाद भी बहुत सी एक्टिविटीज़ वो कराते हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं विश एंड हसीब साहब, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं कि ये सारे पहले तो सब एक एक जूस ट्राई करते हैं, और कौन सा जूस पियेंगे? भाई ये ना कहें कि आपने हमारी कैलोरी ज़्यादा कर दी। नहीं नहीं, कौन सा जूस पियेंगे? ये जरा अच्छा है, कलरफुल लग, कलरफुल लग रहा है। ओके, ये वाला जो है इसमें क्या है, प्लम एंड मैंगो? ये रेड ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स एंड प्लम एंड मैंगो। ओके, अतिया ओके, मैंगो नहीं। अमरीन आप क्या लेंगी?
जो लेना तो आपने ले लिया और ये तो वही गर्मियों का एक सबसे कहते हैं ना किंग ऑफ फ्रूट है मैंगो। मैंगो के बगैर तो जिंदगी ऐसे जैसे गर्मियां हमारी गुजारी नहीं होती। और वो जो मैंगो पार्टीज होती हैं और जो स्विमिंग पार्टीज में भी हम मैंगो खा रहे होते हैं बैठ के स्विमिंग पूल्स में, और वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर वो हमें महवेश बता सकती है कि अगर महवेश के स्विमिंग पूल में हम मैंगो खा रहे हो तो महवेश क्या होगा। यूजुअली जो हमारा पूल है इट्स इंडोर और वो बच्चों के लिए ज्यादा यूज होता है, सो वी नॉट वी आर नॉट अलाउइंग लाइक फूड आइटम्स देयर। लेकिन बाद में और पहले, लाइक पहले तो खैर नहीं लेकिन बाद में यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ पार्टी अगर कोई पूल ओपन एरियाज में जैसे है जहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कॉम्बो के मैंगोज भी साथ साथ चलते रहे और स्विमिंग भी साथ साथ होती रहे। अच्छा फिटनेस के बारे में, लाइक यू गाइस बोथ आर लाइक फिटनेस फ्रीक के अलावा फिटनेस ट्रेनर्स भी हैं, तो फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे कि ड्रिंक्स अपने बच्चों को, नॉर्मली हम होता है हमारे बच्चे खोलते हैं कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक उठा के पी लेते हैं और वो भी फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने बच्चों को आप ना पहने, फिजी ड्रिंक से आप परहेज करवाएं, इस तरह के ड्रिंक्स में आप क्या सजेस्ट करें? ये ड्रिंक्स तो दे आर वेरी हेल्दी, लाइक अगर जो कोई भी टेट्रापैक काइंड ऑफ में आ रही है चीज़ें वो तो ओबियसली दे आर नॉट हेल्दी फॉर देम। एडल्ट्स के लिए वी यूजुअली डोंट सजेस्ट क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी समहाउ ज़्यादा हो जाती है, बट किड्स के लिए तो इट्स अमेजिंग, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, फॉलिक एसिड, इट इम्प्रूव देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेश जूसेस के साथ तो जितने भी आप स्मूदीज ट्राई कर लें, जूसेस ट्राई कर लें, दे आर वेरी गुड फॉर द किड्स। स्पेशली बच्चों के लिए मैंने देखा है कि बिफोर द ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग वो डब्बा पैक जूस ले आते हैं, दे आर प्रोसेस्ड फूड, इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। उसमें हमेशा ये होता है कि अगर आप साथ में बनानास रखें या फिर आप इस तरीके से फ्रेश जूस जो प्रॉपर सीजनल फ्रूट होता है उसको यूज़ करते हुए आप बनाएं तो दिस इज द बेस्ट वन। अच्छा सीजनल फ्रूट के साथ ऑब्वियसली वो एक सोर्स ऑफ नेचुरल यू नो विटामिंस है और उसमें नेचुरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास जितने बच्चे आते हैं आजकल समर कैंप चल रहे हैं तो उनको उनकी डाइट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि तीन गर्मियों की जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं बच्चे बाद में मोटे होते जाते हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं आ रहे होते, उसमें ये है कि बच्चे माशाल्लाह से छोटी एज में इनकी ग्रोइंग जो है ना कैपेसिटी वो बहुत तेज होती है, तो 3 मंथ्स में उनकी एज के साथ भी उनकी बॉडी ग्रोथ में भी फर्क आ जाता है, ये भी एक रीजन होती है। बट आप बात ठीक कह रहे हैं, अगर आप बच्चों को प्रॉपरली 3 मंथ्स जो है या जो भी 2.5 मंथ्स है उनमें इंगेज नहीं करेंगे तो लाइक दे आर जस्ट सिटिंग एट होम और वाचिंग टीवी और आईपैड्स वगैरह तो फिर ऑब्वियसली उनकी बॉडी बेसिक समर्स में ये भी प्रॉब्लम होती है, इट्स टू हॉट आउटसाइड, तो कुछ भी प्लान करना ऐसा बच्चों के साथ इट्स वेरी मैंडेटरी, वरना वो गर्मियों के साथ अगर नहीं उस लिहाज से एक्टिविटीज़ कर पाएंगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वट एवर टाइम यू कैन टेक इधर मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी ऐसा अगर वो यूज़ होता रहे तो फिर वो ठीक है। जमील साहब आप हमें बताएं और हमें सिखाएं भी कि जूस कैसे बनता है और कैसे इसको बनाना चाहिए और उसके लिए ब्लेंडर्स का होना बड़ा अच्छा, अच्छे ब्लेंडर्स का, क्योंकि नॉर्मली ब्लेंडर भी लीक कर जाते हैं। प्लम बना रहा हूं अपने से। अच्छा ये प्लम है, प्लम ड्रिंक है, इसके साथ आप क्या करेंगे? इसके साथ हम लोग जितना प्लम लिया उसी तो वापस आप इसके साथ पानी ऐड कर ले, अगर जितना प्लम लिया है उतना ही पानी ऐड कर ले, ओके उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा ओके ठीक है। आपने पहले प्लम डाला है और उतना ही पानी डाला है जितना प्लम है, उसके बाद आप क्या उसके बाद मैं लीफ डाल रहा हूं, मिंट के पत्ते डाल रहा हूं। ये कितने डालने? ये आप डाल रहे हो 15 से 20 पत्ते डाल रहे हैं आप? ओके 15 से 20। ये मैंने ये बन रहे हैं आपके 3 ग्लास बन रहे हैं, ये 3 ग्लासेस के लिए 3 ग्लासेस की रेसिपी है। और आप इसमें ब्लैक सॉल्ट यूज करना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो नहीं आप डाल रहे ब्लैक सॉल्ट की जगह, अगर कुछ लोग पिंक सॉल्ट यूज करना चाहते हैं जी बिल्कुल दे कैन यूज इट, ठीक है। विदाउट शुगर या शुगर आप लेना चाहते हैं वो ये भी हमारे मुताबिक है, आप स्टीविया लेना है शुगर लेना है या हमें नहीं ऐड ऑन करना बना रहे ठीक है ठीक है। और आइस हस्पी जाकर जितनी आप डालना चाहते हैं, मैंने पहले से ऐड कर ली वैसे। वाओ मैं तो ये देख रही हूं कि इसका सब वो जो मिक्सर भी बना है वो ही अमेजिंग है, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ ब्लेंड करें, तो हम यहाँ बात करते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं
और समर कैंप के इश्यूज चल रहे हैं। हम आज हमारा पूरा वीक हमारा समर कैंप्स पे था कि समर कैंप्स जो हैं वो किस किस तरह के होने चाहिए और बच्चों को कहाँ कहाँ भेजना चाहिए। तो आपका जो समर कैंप है आपने लगाया हुआ है, साइन ऑफ स्प्रिंग्स आपका नाम है, और आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? इंस्टा पे, और वैसे जो हमारे इस टाइम दो ब्रांचेज है, वी जस्ट स्टार्टेड अनदर सेटअप इन गुलबर्ग। DHA में वी आर डूइंग सिंस 2016। ठीक है, तो अब ये है कि अगर DHA अवेलेबल है, देन अगर DHA अप्रोचेबल नहीं है तो गुलबर्ग में भी अवेलेबल है, म्यूचुअल पार्क लेन होटल में। लोगों को ट्रैवलिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइक जो भी स्कूल टाइमिंग्स ऑफ होती हैं या ऑफिस टाइमिंग्स ऑफ होती हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम गुलबर्ग टू DHA। तो उस वजह से लाइक जस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस वी वहां आप कौन-कौन से कोर्सेज जो है वो कर द सेम कोर्स एज DHA, उसमें हमारा एक स्विमिंग वाला कोर्स चल रहा है जिसमें वी आर लाइक मेनली टेकिंग द किड्स एंड जो यंगर किड्स होते हैं, एंड सेकेंडली आवर फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें वी मेक द कम्बो ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, जिसमें मेन कोर्स जो है वो हमारी जिमनास्टिक्स, उसके साथ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस क्लासेस हैं, एंड अदर देन दैट वी डेवलप देयर फिजिकल डेवलपमेंट स्किल्स। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न आता है, दे यूजली नो के ओनली द किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल और दे आर प्लेइंग कराटे, बट माई ऑलवेज यू नो सजेशंस फॉर द किड्स दोज हु आर यंगर देन 10 ईयर्स, तो जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दे नीड टू डेवलप देयर फिजिकल रिलेटेड स्किल्स, जिसमें कैचिंग है, थ्रोइंग है, डोजिंग है, तो इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स है, इसमें इनकी बैलेंसिंग है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वी नीड टू डेवलप दिस स्किल्स, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो वो स्किल क्या होगा, मेनली फुटबॉल इज अ स्किल, आपका कैचिंग इज अ स्किल, लेकिन हम जब इनकी ओवरऑल पूरी बॉडी के स्किल्स पे काम करते हैं तो दे कैन यू नो डील इन लाइफ, इन डेली रूटीन वर्क जो भी होते हैं वो सब चीज़ों में उनको फिर हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और दो सेटअप्स आप लोगों ने रख लिए हैं जी, और ये समर कैंप के अलावा भी क्लब्स के सूरत में भी आप लोग करवाएंगे स्कूल के बाद? जी जी, वो आफ्टर स्कूल क्लब्स होता है यूजुअली जब एकेडमिक ईयर चल रहा होता है, तो वी ऑफर लाइक क्लब्स इन विद इन स्कूल, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को पिक करें फिर लेके आए, तो यूजुअली जी ट्रैफिक इश्यूज बहुत हैं, प्लस विद इन स्कूल अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, पूल स्कूल में अवेलेबल है, जिम स्कूल में अवेलेबल है, स्कूल में ही हर तरह की आपको म्यूजिक वगैरह मिल जाता है, तो वी प्रोवाइड वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स जिसमें हर बच्चे को उसकी जो भी इंटरेस्ट है, जिसमें हमने करंटली एक जुम्बा डांस ऑफर किया था तो किड्स लव दैट, उससे पहले हमारी स्विमिंग और क्रिकेट फुटबॉल वगैरह चल रहा था, बट ड्यू टू हीट इस जो लास्ट हमारा हुआ है उसमें हम लोगों ने फुटबॉल और क्रिकेट नहीं करवाया क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत गर्मी होगी, तो इंडोर जितनी चीज़ें कर सकती थी, इवन चेस लाइक किड्स लव अलॉट। अच्छा, इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में ही हमने फिर वैरायटी एड ऑन की, तो उसमें हमने चेस, जुम्बा, उसके साथ जिमनास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, सो वट एवर वी कुड डू इन इंडोर। बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है उसने क्या करना है। हम बात भी करेंगे स्टेप्स के बारे में कि स्टेप्स क्या करवा रहा है और बच्चे कैसे अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, मगर व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है और जो समर रिफ्रेशिंग पार्टी वो हमारे यहाँ स्टार्ट होगी और समर कैंप का आज लास्ट डे है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इंजॉय करें और हम आपको बताएंगे कि जूसेस की जो मज़ेदार किस्म की रेसिपीज हैं। स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे समर कैंप्स पे और समर कैंप में बच्चे की नरिशमेंट में कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा सरमाया है, और अगर हम एक सरमाए को बेहतरीन जनरेशन में डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कहते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्या क्या मसले उठाने पड़ते हैं और किस तरह से लेके चलना होता है, तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं स्टार्ट करूँगी, पहले अमरीन से बात करूँगी कि अमरीन एज अ एकेडमिकली आप क्या एक्नॉलेज करती हैं और आप क्या रिकमेंड करती हैं, फिर हम बात करेंगे अपने फिजिकल और यू नो मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। ओके, लाइक आई एम ए प्रिंसिपल, सो वी हैव ऑल्सो डिज़ाइन दिस समर कैंप इन द स्कूल, बच्चों के लिए हम लोग ने डिज़ाइन किया है, और उसमें बेसिकली यही चीज़ हम लेकर जाना चाहते हैं कि द होल ईयर जो चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश हो जाता है, योगा है, अदर थिंग्स है, वी हैव स्टार्टेड दैट, बट द मेन थिंग जिस पे मेरा ज़रा ज़्यादा फोकस रहा है वो है कि बच्चों को सस्टेनेबिलिटी का थोड़ा सा बताया जाए कि हाउ दे कैन सेव द एनवायरनमेंट एंड हाउ दे कैन कीप एनवायरनमेंट हेल्दी एंड सेफ। सो उससे बच्चे आजकल हमारे यहाँ पे इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है,
के 3 R's हैं, जैसे रिड्यूस और रिसाइकल एंड इन चीज़ों को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं. तो कैसे रिसाइकलिंग करवा सकते हैं बच्चों के साथ, चीज़ों को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, रीयूज़ कैसे किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को सेफ कैसे रखा जा सकता है, प्लांटिंग कैसे की जा सकती है, इस चीज़ के ऊपर भी हमारा फोकस है. और अगर पेरेंट्स चाहें तो ये चीज़ें वो घर में भी स्टार्ट करवा सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं जिसको वेस्ट कर दिया जाता है. सो इन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं. इसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना, इको फ्रेंडली, बहुत अहम जिम्मेदारी है. कि अगर एक बच्चे को हम कहते हैं कि जस्ट प्लांट वन ट्री, तो इसका मतलब है हम अब री प्लांट नहीं कर रहे, हम एक पूरा एक सिस्टम जो है उसको देख रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही. और ये जो लिटरिंग जो हर जगह होती है, बच्चों को उस चीज़ का बताना, क्योंकि इवन द क्लास रूम समटाइम दे डू यूज़ द बिन. आपको बताना पड़ता है कि ये क्यों क्लास में रखी जाती है चीज़. इसलिए हमारे इन्वायरमेंट ख़राब है, इसलिए हमारा कंट्री ऐसा दिखता है. सो अगर हम छोटे बच्चों को छोटे लेवल से चीज़ें बताना शुरू कर दें टू कीप द इन्वायरमेंट सेफ, योर क्लीन, योर जो आपकी सराउंडिंग है उसको कैसे क्लीन रखा जाए, घर से ये चीज़ स्टार्ट की जा सकती है. माई सन वॉज लाइक ही वॉज 2 years old एंड उसको ये पता था कि मामा ही यूज़ टू ब्रिंग रैपर, ही यूज़ टू आस्क के ये मैंने कहाँ फेंकना है. सो उसको वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट किए पेरेंट्स, घर से ट्रेनिंग को स्टार्ट करें. बच्चे अक्सर पूछते हैं अगर हमारे पास डस्टबिन ना हो तो फिर क्या करें, तो पुट देम इन द पॉकेट. सो गिव देम द सॉल्यूशंस कि अगर आपको चीज़ डोंट थ्रो आउट ऑफ द कार, जो हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैबिट है कि हम बाहर फेंक देते. सो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को छोटे लेवल से. अगर हम चीज़ें स्टार्ट करें, स्पेशली इन स्कूल्स एंड होम, ये दोनों साथ चल सकती हैं. अगर घर में इनको वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो वो स्कूल से जो चीज़ें सीख कर जाते हैं, अगर उनको घर में वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो वो भूल जाएंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की भी एक समर कैंप लगना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को हम इन चीज़ों से अवेयर करें. बिल्कुल, कहाँ पे तो होनी चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर नहीं होता, नहीं होता, आप एक्सपोजर नहीं होता या आप उस लेवल पे नहीं. ऑब्वियसली बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर जो पेरेंट है वो उस लेवल पे नहीं उनका एक्सपोजर होता. बिल्कुल, तो ये भी एक यू नो ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए. और अतिया बीइंग अ पेरेंट, हम बात कर रहे हैं कि बीइंग अ पेरेंट हम छोटी छोटी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, लाइक सेव द वर्ल्ड, सेव यू नो द वाटर, इस तरह की जो एसेज आते हैं तो उसमें ड्राइंग्स हम करवाते हैं और होते भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी स्कूल में होते हैं, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लाइक समथिंग एल्स बिकॉज वी वॉन्ट टू टीच आर किड्स. और हमारे पास जो स्पैन है 3 महीने का, उसमें टीच करने के लिए किस तरह की मेथडोलॉजी आप यूज़ करती हैं? अच्छा, हमने तो ये कि ऑफकोर्स स्कूल से तो बहुत कुछ सीखते हैं, बट जिसको कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, वो बहुत सही बात है. हमने भी जो अपने हम माँ बाप को देखा है, अभी तक शायद हमें वो आदतें हैं, जैसे लेना देना या किसी के घर जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ लेके जाना है, सलाम करना है सबको, मतलब यू नो ग्रीटिंग एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें. या फिर अभी हमने ये इस तरह स्टार्ट किया है कि अभी जैसे ये तो बहुत छोटा है फिर भी इसके साथ भी हमने स्टार्ट कर दिया कि यू नो व्हेन दे फिनिश देयर फूड दे हैव टू टेक देयर प्लेट्स बैक, ट्रेज बैक. ये तो नहीं है कि अगर आपके पास अगर हेल्प है भी तो इट डजंट मीन दैट यू नो दे डोंट डू एनीथिंग. तो थोड़ा थोड़ा इसको हमने सलाउद्दीन को बोला कि तुम जब सो के उठते हो तो अपना बेड ठीक करो. छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ लॉट, बट घर में आप ये चीज़ें सिखा सकते हैं डेफिनेटली. और किस तरह किससे बात करनी है और वो करनी है. मेविश और हसीब, फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल ट्रेनिंग्स, ये तो एक बहुत एक कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है हर यू नो एवरी ह्यूमन वांट्स अ फिज़िकल यू नो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ. तो आप लोग बच्चों के साथ कैसे यू कैन वर्क आउट, बिकॉज समटाइम्स उनके इतने टैंट्रम्स होते हैं कि हमारा नहीं दिल चाह रहा, मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी. लाइक मेरा बेटा तो जब भी मैं कहती हूँ ना तो वो तो मूड ऑफ करके बैठ जाता है. नो, आप मुझे जैसे पता नहीं क्या कर्स कर रही हैं कि आपने मुझे पता नहीं क्या कह दिया कि समथिंग विच इज़ नॉट डन एट ऑल. हाउ डू यू गाइस डू इट? आई बिलीव जैसे अगर हम इसी मूड के साथ बच्चों के बारे में सोचें एंड वी थिंक एजुकेशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी यू नो स्कूलिंग और कुछ भी हम शुरू करवाते हैं, तो बच्चों के पास चॉइस डेफिनेटली आई थिंक इस मामले में नहीं होनी चाहिए. पेरेंट्स को देखना होता है कि इनको कैसे इंगेज करना है एंड हाउ वी कैन स्टार्ट विद.
क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दीज थिंग्स हेल्प देम इन देयर डेली लाइफ, ठीक है, इनको थोड़ा सा जो एक्टिव, क्योंकि असल जो भी हम एजुकेशन करते हैं, चीज़ें करते हैं, आई ऑलवेज टेल कि दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओन लाइफ, के आपने ज़िंदगी में साथ लेके चलना है. अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो व्हाट योर एजुकेशन कैन डू. तो इट्स बेटर कि आप जैसे जिस एज से बच्चों को स्कूलिंग के बारे में सोचते होते हैं, उससे पहले इनको आप इतना डिसिप्लिन करें कि दे नो कि हम इंडिपेंडेंट हों, दे नो कि हम लोगों ने मतलब अपने फिजिकल स्किल्स को डेवलप किया हुआ है और हम आगे बढ़ सकते हैं. आपकी बेटियां भी हैं और आपने उनको बहुत ट्रेन किया हुआ है, हम उनको देखेंगे जिस तरह वो करते हैं और जिस तरह जिमनास्टिक्स में वो इन हैं. तो बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए क्या, कि लड़कियों के लिए ये चैलेंजिंग नहीं होता? अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि जब हमने ये स्टार्ट किया था तो शुरू से, क्योंकि बींग अ वर्किंग मदर, मुझे ये होता था कि मेरे बच्चों की रूटीन बिल्कुल सेम रहे, कि जो हम अभी बात कर रहे हैं कि मुश्किल चैलेंजिंग होता है, उस पर ये होता है कि वी नीड टू कम्युनिकेट विद द किड्स, उनसे बात करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग. हम उन्हें एग्जांपल्स देते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है कि उनकी मदर के फादर इतने स्पोर्टी हैं, हम लोग उनके साथ एज अ फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं. तो उनको शुरू में ये ज़रूर होता था कि आप लाइक व्हाई आर वी आर द ओनली वन हु स्लीप्स एट एट, गेस्ट भी आए हुए हैं, कहीं बाहर भी जाना है, वी नीड टू कम बैक, कि हम बच्चों को टाइम पे सुला सकेंगे. आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि मुझे ये होता है कि अब वो इतना आदि हो गए हैं कि वंस दे आर होम, उन्हें पता है कि हमने सोना है, सुबह टाइम है, उठना है, तो एक रूटीन अच्छी बन गई है. सो एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, बट कम्युनिकेशन इज़ द की, वी नीड टू काउंसल देम. एक तो ये चीज़ आ जाती है, प्लस जो बच्चियाँ, जब मुश्किल हमेशा से हर चीज़ के लिए ये होता है, बट जब वो एक रूटीन का पार्ट बन जाता है ना, तो उनको फिर मज़ा फन भी बन जाता है, एंड डोंट मेक इट बोरिंग फॉर देम. समटाइम दे डोंट फील लाइक डूइंग इट, अगेन टॉक, कुछ ईजी डेज कर दें, एंड देन व्हेन दे आर इन द मूड, उसको उस लिहाज से. हसीब साहब और अदन सब बैठे हुए हैं, मैविश बैठी हुई हैं, अमरीन बैठी हुई हैं, तिया बैठी हुई हैं, ये सारे जो हम कैंप्स करते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स का भी, और ऐसे भी लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े मीडियोकर, यू नो वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ, बट ये विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोग वैसे ही रहते हैं, नई नई ग्रोथ कर पाते अपनी ज़िंदगी में, तो उनके बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? अच्छा, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है. हम सुबह के टाइम जब विंटर्स में भी अदन स्विमिंग पे लेकर जाते थे, तो लिटरली पाकिस्तान के पास फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है. यहाँ पर जब हम जा रहे थे पंजाब पूल में, फोर्ट्रेस स्टेडियम में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, वहाँ पर हॉकी ग्राउंड्स हैं, बट दे ऑल आर एम्प्टी. तो वो चीज़ें यूटिलाइज हो सकती हैं इन अ बेटर वे, और इस तरह की ऑप्शंस बहुत सारी और भी अवेलेबल हैं, और इट्स नॉट लाइक कि आप कोई स्पेसिफिक चीज ही करें. कितनी फीस चार्ज? आई डोंट थिंक सो, लाइक वी वर पेइंग 5000 फॉर द होल मंथ फॉर जस्ट टू यूज द पूल. तो 5000 इज वेरी मिनिमल. आपके पास ऑप्शन हर तरह की अवेलेबल होती है. गवर्नमेंट का पूल है जी, गवर्नमेंट का पूल है, लेकिन वहां आप कह रहे हैं कि लोग ही नहीं आते. हाँ, सुबह के टाइम पर जब हम जा रहे थे, यूजुअली लोगों में ये है, हमें ये होता था कि बिफोर स्कूल ट्रेनिंग से फ्री हो जाए तो इवनिंग विल बी फ्री, के हम कुछ भी और कर पाएंगे. बट हमारे लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट नहीं कि मॉर्निंग उस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर लें, और लिटरली वो पूरी की पूरी एरिया, वहाँ साइकिलिंग ट्रैक है, वहाँ स्केटिंग के ऑप्शंस है, बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत अच्छे. हम सुबह जब जाते थे, हम, मैं, हसीब और ईशमल, हम तीनों होते थे, और वो जगह था फुट कज़ाफी स्टेडियम के पंजाब पूल है, उसके साथ फुटबॉल ग्राउंड्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, एंड वहां पे आई बिलीव दे आर लाइक हैविंग अ कैंप जिसमें 3500 में एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द समर. तो वहाँ पे देखिए, हर जगह पे एक स्टैंडर्ड है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जरूरी नहीं आपने मतलब किसी महंगे कैंप में ही जाना है. तो गवर्नमेंट के पास भी वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. इसके अलावा मैं जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, ठीक है, बच्चे वही, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, रादर देन टेलिंग किड्स कि आप जाओ खेलो, आप जाओ खेलो, पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्वड. मेरे फादर और मदर सुबह नमाज के बाद वी यूज टू गो फॉर द वॉक डेली बेसिस, शाम को मैं अपनी मदर के साथ जाती थी. वो हैबिट आज तक डेवलप है कि जब तक हम वॉक ना करें आराम नहीं आता. तो जब तक आप पेरेंट्स को, पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व करेंगे कि हम ही एक्टिविटी करें, लेट्स डू इट, आप घर में एक्सरसाइज करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो बात ये है कि आप खुद इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बन जाते. पेरेंट्स यही ऐड करने लगी थी कि ज़ुम्बा करना है, इतनी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, कुछ भी करना है, जस्ट प्ले इट एंड लेट योर किड फॉलो दैट. बहुत ही मजेदार किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं, तो डिस्कशंस को आगे लेके बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक.
मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ. वेलकम बैक व्यूअर्स. इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं हमारे साथ हैं और हम चाहते थे कि हम इनसे खुद क्यों ना कोई ना कुछ पूछें और कोई ना कोई एक्टिविटी करवा दें, क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं. ऐसा ही है ना? तो मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके अदन, अदन अदन आप क्या करती हैं? जिमनास्टिक. वेरी नाइस. तो अदन जिमनास्टिक्स में आज हमें क्या करके दिखा रही हैं? मैं कार्टवील, ब्रिज, फ्रंट वॉकर और बैक वॉकर. बैक वॉकर, फ्रंट वॉकर, कार्टवील और ब्रिज, ये सारा कुछ आप करोगी. और मैं आपको ये बताते चलूँ कि अदर ने बहुत से कॉम्पिटिशन भी जीते हुए हैं और रिसेंटली किंगस्टन का जीता, इंटर स्कूल किंगस्टन कॉम्पिटिशन. तो यू नो, तो अदर आप स्टार्ट करें तो फिर मैं बाकी सबके पास भी आती हूँ. यू कैन स्टार्ट. व्हाट यू वांट ऑल ऑफ देम टू डू विद यू? ओके अब स्टार्ट करो. और ये अब देखते हैं कि अदन अब कैसे बच्चों के साथ करना कितना मुश्किल है. बच्चों को बताएं. चलो अदन स्टार्ट. थोड़ा सा वार्म अप स्टार्ट. स्ट्रेच. एवरीबॉडी स्ट्रेच. टेक योर आर्म आउट. यस. Other hand, jumping jacks. Warm up is very important. अच्छा ये warm up कर रहे हैं. जी जी थोड़ा सा ताकि वो ज़रूरी होता है. Okay, now Adan, can you do fish? Everybody now copy Adan. चलो. Okay, lie down. Oh wow. Sweet. Wow. Good job. Fish. Okay, now front sport. Okay, back sport. सुपरमैन पोजीशन. सुपरमैन लाई डाउन एंड स्ट्रेट. ओके एवरीबॉडी नाउ हैंड्स अप. हैंड्स अप. वाओ गुड. बैलेंस ऑन योर बेली. ओके ओके नाउ we will ask kids to come aside so that they can see what Adan and Rishmal can do. Okay, all of the kids aap log sare side pe aa jao. Adan aur Rishmal, they both are very cute twin sisters and they do bada zabardast kism ka gymnastics. Thoda niche ho jao aapko lag na jaye. Theek hai. Okay, ye dono karti hain. Aap log sab dekho kaise kar rahe hain. They are trained. Handstand bridge karna hai. Theek hai. Okay chalo handstand bridge. 1 2 3 go. Do it. Wo light se ho rahi hai. Wow. Okay. Wow. Okay, back walk over. Okay, then now your turn. Wow. That's amazing. That's nice. Wow. Okay, then stand that side. Ishmal this side. Okay, now cartwheel. Ishit, go that side. Okay, 1 2 3 go. One more. One hand. Okay, front hand spring. Good. Okay, back walk over. That's nice. Okay, splits. That's nice. Okay, I think. No, we can. They can do a lot of things, but I think it's done for today. Or do you want more? कोई एक आधी चीज और आप करा. Okay, I can help them for the backhand spring. Ishi, you can do it. Come, hands up. चलो 1 2 3 गो. वाओ. ओके चलो 1 2 3 गो. वेरी नाइस. वेरी नाइस माशाल्लाह. ये सारी ट्रेनिंग जो है और ये बेटियां जो है ये माशाल्लाह कंसी जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं इनकी हैं और बचपन से इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो देख, मैं तो इनको देख रही छोटी छोटी सी थी और ये इस तरह की चीजें अगर जो पेरेंट्स हैं वो जो करवाते हैं करवाना चाहते हैं तो वो किसी की अंडर सुपरविजन के बगैर तो नहीं करते. इसमें कुछ चीजें डेफिनेटली हम बच्चों को सेफ्टी सबसे पहले बताते हैं कि क्या चीजें आपने सुपरविजन के साथ करनी है और कौन सी, जैसे स्ट्रेचेस, वार्म अप, जंपिंग जैक्स,
फॉर दीज थिंग्स दे डोंट नीड एनी सेफ्टी, कोई मैट्रेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे इनकी जर्म्स या डिफरेंट काइंड ऑफ इनकी बॉडी की बॉडी को बैंड करना है, वहाँ पे दे नीड एडल्ट सुपरविजन. बट ये वही बात चीज़ें होती हैं कि अगर आप बच्चों को खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते तो फिर बच्चे खुद से ट्राई करते हैं. जब बच्चे खुद से ट्राई करते हैं तो दे गेट इंजरी, दे गेट यू नो कुछ भी गॉड फॉरबिड हो सकता है. तो इसीलिए ये चीज़ें जब आप पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो वट एवर दे सी ऑन द टीवी, क्योंकि टीवी में तो दे आर इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड. वो उन्हें लगता है कि टीवी में हीरोज जंप्स कर रहे हैं या कोई इधर फ्लाई करके उधर जा रहे हैं तो हम भी फ्लाई कर सकते हैं. सुपर हीरोज को देख के वो कहते हैं कि हम भी फ्लाई कर लेंगे. तो हमें दे आर सुपर हीरो इन देयर लाइफ. तो हमें इनको ये चीज़ें बतानी होती है, करवानी होती है, इनका एग्रेशन आउट करना होता है. क्योंकि मूवीज में देखते हैं कि किक्स हो रहे हैं, पंच हो रहे हैं, बट वही पंच और किक्स आप जब सैंड बैग पर करवा लोगे तो उनका बाहर आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हर्ट का कितना होता है कितना नहीं होता. तो हमें ये सारी चीज़ें इनको रियल लाइफ में प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल के एक रियल लाइफ में अपने आप को सेट कर सकें. अमरीन, आपने देखा ये वंडरफुल, ये सारी चीजें माशाल्लाह. समर कैंप जो हो रहा है वो स्टेप्स में भी हो रहा है, और स्टेप्स भी जो पंजाब ग्रुप का इदारा है वो करवा रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है. सबसे अच्छी बात जो है ये जो समर कैंप इनका वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चे इनरोल हो रहे हैं. क्या ये सब फिजिकल फिटनेस वहाँ करवाई? बिल्कुल, हमने भी इंस्ट्रक्टर लिए हुए वहाँ पे जो हमारे अपने भी स्कूल में आते हैं, और वो टैकांडो और योगा और इस टाइप की सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं. हमारे स्कूल में भी चलती रहती है, और माशाल्लाह एक्चुअली ये जो एज है ना इसमें बड़ी इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है. आप इनको इस से जब एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें करवाएंगे तो बड़े होने तो आप बताएं कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये हो जाते हैं. सो इस एज में जब आप इनको फिजिकल एक्टिविटी डालते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा होता है. जब वो बिकम देयर पार्ट ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली, रह नहीं सकते. ये मैं कहता हूं इट्स लाइक अ नशा. मतलब आप जिस दिन नहीं करते ना, जो रेगुलर कह रहे होते हैं वो जब नहीं करते तो उनको लगता है कि जैसे आज हमारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है. आप जब इसको डेली लाइफ का अपना पार्ट बना लेते हैं ना, तो जिस दिन नहीं होता उस दिन आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, भूख सही नहीं लगेगी. तो ये है कि इसको हैबिट बनाने का जल्दी सीखते हैं. बिल्कुल, ये क्विक लर्नर होते हैं और ऑब्जर्वेंट भी बहुत होते हैं. जी जी, इसमें वही कहता हूँ ना कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड अपना एक टाइम प्लान बनाना चाहिए. आपको पता हो कि हमने डेली का एक टाइम फिक्स कर लें, 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का. यूजली हमारे जो एडल्ट्स हैं या जो लेडीज भी हैं वो समझती हैं कि हम घर के काम करके बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज में और कामों में फ़र्क होता है. उसमें जब आपका माइंड, आप कहते हो ना कि मैं अपने माइंड को फ्रेश करके तमाम वरीज ख़त्म करके तो अब आज मैं ये 30 मिनट्स डेडिकेट कर रहा हूँ जिसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है. आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ना, तो वो सीढ़ियाँ अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप वैसे काम के लिए भाग रहे हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस है, वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती. तो वो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि डेली काम में और एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है. एक्सरसाइज में यही एक चीज़ का फ़र्क है, आपकी नीयत का. आप इस नीयत से काम करते हो कि मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ टाइम स्पेयर किया है. इंटरेस्ट की भी बात होती है, हर बच्चा इंटरेस्ट भी नहीं लेता. आपको इंटरेस्ट फिगर आउट करना है कि आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है. इसमें वही बात आती है कि हर इंटरेस्ट हर बच्चे का डेवलप हो सकता है, सिर्फ उसको करवाने का आपके पास तरीका ऐसा हो या उसमें आपने जो लर्निंग है वो विद फन हो. आप लर्निंग विद फन जरूर करवाओ, और एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज ये नहीं है, एक्सरसाइज तो साइकिलिंग भी है, एक्सरसाइज तो वॉक भी है, जंपिंग भी है, रनिंग भी है. तो मूव अराउंड, आपकी बॉडी, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो इट मींस आप एक्सरसाइज कर रहे हो. और पता है इन द लेटर रन हमें बहुत से फिजिकल इश्यूज आ जाते हैं. बिल्कुल, हम 40s क्रॉस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ होता है कि आप अगर शुरू से अपने आप को फिट रखें तो आपको इन चीज़ों को मसला नहीं होगा. इसके लिए अगेन मैं एक बात कहता हूँ कि रादर देन पेइंग टू द डॉक्टर्स, आप जिम वालों को, ट्रेनर्स को पे कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा. वेल सेड, वेल सेड. और व्यूज, आपने इंजॉय तो किया होगा, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ. और वी लव यू नो द जिमनास्टिक्स वाला सेगमेंट, आई लव इट. बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है और बहुत ट्रेंड है माशाल्लाह बच्चियाँ. मगर मजीद हमारे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते आपको दिखाएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग थैंक.
वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारे सेट पे इस वक्त कितना गहमा गहमी चहल पहल चल रही है, क्योंकि बच्चे कभी इधर कभी उधर, कभी पीछे कभी आगे, हर जगह माशाल्लाह बच्चे 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 खड़े हुए हैं। और सबसे जो उनकी जो फेवरेट चीज़ों को नज़र आई है वो है जूसेस। तो जूसेस सब ले लें, किसको कौन सा अच्छा लगता है? ओके ग्रीन, ओके। अब इनको ये नहीं पता फ्लेवर कौन सा, बस वो कलर से अट्रैक्ट हो रहे हैं सबको। लेमन मिंट है ये, और ये प्लम, फ्रेश प्लम कूलर्स है। What do you want? Do you want a mango? Which juice do you want? कौन सा अच्छा लगता है? You don't like juices? Okay. Do you want a simple water then? Okay, or lemonade? अच्छा नो भाई, हमारे एक बच्चे को जूस नहीं पसंद है, लेकिन बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं जूसेस। और थैंक यू सो मच आपका, जो आप आए और आपने मज़ेदार किस्म की बार लगाई। और आपको जो है, जो लोग रीच आउट करना चाहते हैं वो कहाँ कर सकते हैं? आप फोन पे हमारा कॉन्टैक्ट है मैम, इंस्टाग्राम पे जी बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे चीमा जमील के नाम से मैम। चीमा जमील के नाम से इनका पेज है, जिन्होंने जूस कॉर्नर्स लगवाने हैं या कोई आगे समर पार्टीज आएंगी तो वो इनको रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हमने इस पूरे वीक में जो मैंने सीखा, मैंने क्या सीखा कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया कि बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और उनकी डेवलपमेंट है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिटी केयरिंग की, कम्युनिटी बिल्डिंग की, सोशल नेटवर्किंग की, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक समर कैंप से रिलेटेबल हैं। क्योंकि समर कैंप में जब हम अपना बच्चा डालते हैं या भेजते हैं तो उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे आए होते हैं, इंट्रैक्शन होती है, और इस इंट्रैक्शन की वजह से बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और क्योंकि बाद में उनको ये सब चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होती हैं उनके लिए। तो हमारा ये टॉपिक, हमारा जो थीम था, ये उन सब लोगों के लिए था जो लोग, अब आप लोग सारे खड़े हुए हैं, चलें आप लोग इंजॉय करें इधर हमारा जो जूस वाले, मैं ज़रा इस तरफ तो जाती हूँ। उन सब लोगों के लिए था कि जो जिनके पास 2.5-3 महीने हैं, और जो वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिनके पास वाकई जो है टाइम नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, मगर हमने ये देखा कि सब एक्सपर्ट्स ने हमें कहा कि टाइम देना चाहिए, और टाइम दिए बगैर जो है वो आपका जो मुकम्मल एक पर्सनालिटी है वो बिल्ड नहीं हो सकती। चाहे आप क्वांटिटी टाइम ना दें, आप क्वालिटी टाइम दे दें बच्चों को, आप 3 घंटे दे दें दिन में, मगर अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे। और ये बच्चे वो डो हैं कि इनको जिस शेप में लेकर जाएंगे ना, ये उसमें मोल्ड हो जाएंगे। आप इनको डिसिप्लिन सिखाएंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे, इनको अच्छी हैबिट सिखाएंगे, अच्छी हैबिट सीखेंगे, इनको रिस्पेक्ट सिखाएंगे, रिस्पेक्ट सीखेंगे। बिल्कुल। सो इनको जो भी आप सिखाना चाहते हैं, लेकिन वही बात कि आप इनसे कम्युनिकेट करें, उनके लेवल के आके बात करें, और घर में वो इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें आप जो चीज़ लेके जाना चाहते हैं, जैसे एथिक्स हैं, मैनर्स हैं, और ये जो समर कैंप है और जो स्कूल है, ये उस पर फिर बूस्टर का काम करते हैं। बिल्कुल। उनकी सारी जो एबिलिटीज, उनके जो सारे स्किल्स को इनहेंस कर देते हैं। सो लेकिन स्टार्ट ये घर से होता है, और पेरेंट्स को इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, खुद बच्चा बनना पड़ेगा समर कैंप में, और जो चीज़ सिखाना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, कोई इससे मुश्किल बात नहीं, इसलिए क्या पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स नहीं है। वेरी वेल सेड। और अमरीना अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ वीक में रही हैं, और बहुत हमें मोटिवेशनल बातें की आपने, हमें सिखाई भी आपने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। अतिया, बीइंग अ पेरेंट, और एनी मैसेज यू वांट टू गिव और एनी थिंग यू वांट टू एड्रेस? आई जस्ट वांट टू से कि वही जो आपने बात की, क्वालिटी टाइम ज़रूर दें बच्चों को, क्योंकि आजकल मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। यू नो इट्स टू मच हैपनिंग, आपको लगता है रात तक कि आप पता नहीं कैसे मतलब दिन गुजर गया, लेकिन बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चों को, जैसे महवेश और रसीब ने भी कहा, आप उनके साथ मेहनत करें, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, या आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा खुद कर लेगा, बस बच्चा तो बच्चा ही है। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं, सो दे लर्न ईजीली एंड दे लर्न फास्टर देन अस। मतलब हम भी अभी सीख ही रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है मैं फिर से बच्चों के साथ सीख रही हूँ दोबारा से। लेकिन वही वाली बात, उनको अच्छी तरह टाइम दें, उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली डाइट आई वुड से के बहुत, और फिजिकल एक्टिविटी वाकई बहुत ज़रूरी। थैंक यू सो मच अतिया एंड फॉर बीइंग विद अस, और अपने थॉट्स आपने शेयर किए। बट ओवर टू हसीम एंड महवेश, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में बिजी होते हैं और वाकई मेहनत करते हैं, एक बच्चे को निकालना भी एक बहुत बड़ा कहते हैं अचीवमेंट होती है। बिल्कुल।
तो उसमें मैं समर्स के हवाले से ये ऐड करूँगी कि यूजुअली समर ब्रेक में हमारे पास फुल डे होता है एंड मदर्स आर यूजुअली थिंकिंग कि पूरा दिन अब कैसे गुजारें. जस्ट एक टिप ये है कि मेक अ रूटीन, उनके सोने से लेकर खाने की और बाकी टाइम को भी डिवाइड कर दें. आप पूरा दिन उनको ना दें, लाइक वन आवर मॉर्निंग में, हाफ एन आवर आफ्टरनून में, और वन आवर के करीब इवनिंग में दे दें क्वालिटी टाइम, और फिर खाने के सोने की रूटीन सेट कर दें. लिटरली समर ब्रेक से अच्छा टाइम यूटिलाइज करने के लिए कोई नहीं होता. यू कैन वर्क ऑन देयर वीकनेसेस, यू कैन डेवलप अ गुड बॉन्ड विद देम, और जो जो चीज़ें आप पूरे साल में नहीं कर सकते बिकॉज बच्चों की रूटीन बहुत बिजी होती है, उसमें अगर यू विल फॉलो अ पर्टिकुलर रूटीन, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. मेरा तो सबसे पहले थैंक्स टू द ए प्लस चैनल और आप मिस हिना का, जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिक टॉपिक चूज़ किया. और क्योंकि हमारे जो इस टाइम टीवी पे जो स्ट्रेस है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, या घरों पे हमेशा डिस्कशन हो रही होती है, फैमिली पॉलिटिक्स भी चल रही होती है, तो ये इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करके हम बच्चों को आगे जो इनका फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं या इनको आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी वो यही होता है कि इट्स नॉट ओनली समर और नॉट ओनली फॉर दीज टू मंथ्स, इट शुड बी द पार्ट ऑफ देयर रूटीन द होल ईयर, पूरा साल, पूरी लाइफ. हमारी कोई एज जब ग्रो करते रहते, बड़े करते होते रहते, तो हमारा एक्सरसाइज का, चीज़ों का पैटर्न जरूर बदल जाना चाहिए, बट इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. कोई भी हम लोग अब काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लोग कहते हैं कि आप लोग इतने मतलब आप बड़े हो गए हो तो आप लोग कैसे कहते हो, तो एज इज जस्ट अ नंबर. आपका माइंड इट्स जस्ट अ नंबर. आपका जस्ट ये है कि आपने अपने माइंड को बड़ा नहीं होने देना, माइंड को बच्चों के लेवल पर रखें. पहले एक चीज़ यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, पहले सिर्फ टेक्वांडो तक हमारा जो फिजिकल फिटनेस था वो खत्म हो जाता था हमारे जमाने में, मगर अब विशु, अब सेल्फ डिफेंस, अब वेट लिफ्टिंग, अब बहुत ज़्यादा इसमें इनोवेशन आ चुकी हुई हैं. देखिए हमारे ये टीवी पे ना सिर्फ प्रमोट किया होता है क्रिकेट, क्रिकेट ही हर जगह पे बच्चों को दिखाया जाता है, बताया जाता है. हालांकि जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ फुटबॉल, लेकिन ये फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, दिस इज़ टीम स्पोर्ट्स. हमें बच्चों को इंडिविजुअल जो इनकी स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल हेल्थ है, उसके ऊपर मेनली फोकस करना है, और वो किसी स्पोर्ट्स से लिंक नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द थिंग. थैंक यू सो मच हसीब, थैंक यू सो मच मैवेश, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच द चिल्ड्रंस लॉट. स्माइल ही कर दे सारे. यू ऑल से थैंक्स. ओके, तो व्यूअर्स, हमारा समर कैंप जो था, वो हमारा जो पूरा वीक, वो बहुत एक मोटिवेशनल वीक था. मोटिवेशनल वीक इसलिए था कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारा सरमाया है. बाय द एंड ऑफ द डे हम इनके लिए ही मेहनत करते हैं, हम इनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए. कहते ना कि पेरेंट्स जो होते हैं वर्किंग पेरेंट्स बन जाते हैं. ये अब जो है, अब जो ज़माना आ चुका हुआ है, ये किसी एक पेरेंट का काम नहीं कि एक कमाए तो पूरा घर खाए. अब ये बाकी दो हाथ मिल के जब तक कमाएंगे नहीं, उनके बच्चों का बेटर फ्यूचर नहीं बन सकता. सो व्यूअर्स, इनको ज़ाया मत करें, इनका एक एक दिन बहुत कीमती है. एक एक दिन की इनकी जो एक्टिविटी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो घर में तरबियत हो, इन सब चीज़ों को लेके चलना आपका काम है. हमने ट्राई की कि हम पूरा वीक आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस लेके दें और साइकाइट्रिस्ट से मिलवाएं. किसी को कोई मेंटल इश्यूज हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को फिजिकल इश्यूज हैं, किसी को एजुकेशनल इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन बाउंसेस हैं, इन सब चीज़ों को लेके चलना, क्योंकि घर की तरबियत पेरेंट्स से शुरू होती है. तो आप अपने बच्चों को अपना सरमाया समझें, ये सरमाया ही फ्यूचर जनरेशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारा सरमाया, हमारा फ्यूचर आगे मुस्तहकम होके काम करे, यूनिटी होके, फेथ, डिसिप्लिन, जो हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं, उनके साथ आगे लेकर आएँ. तो जो स्टार्टिंग है वो हमने घर से करनी है. समर कैंप का कॉन्सेप्ट भी यही था कि समर कैंप का ज़रूरी यही नहीं है कि तीन महीने आप बहुत मेहनत करें, बल्कि पूरा साल आप बच्चे की डेवलपमेंट, ग्रोथ, उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर, कम्युनिटी सर्विस के ऊपर, ऐसे सेक्टर्स जहां कभी काम ही ना हुआ था, अपने बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कराएं. और ये एक्सपोजर से ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपोजर जिनके पास हो वही कर सकते हैं. ऐसे माँ बाप जिनके पास विजन है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाएं, तो ऐसे गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने बताया है कि आप कहाँ कहाँ अपने बच्चे भेज सकते हैं, ताकि वो एक यू नो कंप्लीट पर्सोना, कंप्लीट पर्सनालिटी के साथ एक बेहतरीन ह्यूमन बनकर आगे आएं. तो व्यूअर्स, अगले हफ्ते हमने हाज़िर होना है फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ,
नए सारे सिस्टम के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, और हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे इस जो पूरे 6-5 days तो समर कैंप था उस पर हमें अपना फीडबैक दें, कॉल करें, मैसेज करें और अपनी राय से आगाह करें और बताएं कि हमें आगे कौन से प्रोग्राम्स करने चाहिए जो कि आपको अच्छे लग रहे हों। और जिन्होंने हमें कॉल्स की थी और जिनकी क्वेरीज थी अबाउट फेस, तो वो हम आपको मे बी कमिंग वीक में कहीं ना कहीं बताएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमें कॉल करते रहें, हमें लाइक करते रहें, हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, कमेंट्स करते रहें और कीप वॉचिंग धनक, बिकॉज धनक सबके सारे रंग हमारे रंग आप लोगों से हैं और आप लोग हमारे रंग बेहतरीन और खूबसूरत बनाते हैं। खुदा हाफिज़।